दोस्तों, जब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनती है, तब तब एक खबर न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन जाती है, जिसे सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी तक इतिहास में देशों के बीच जो भी युद्ध हुए, वह या तो एक देश के द्वारा दूसरे देश पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किए गए, या अपनी विस्तारवादी नीति यानी एक दूसरे की जमीन हथियाने के लिए किए गए। लेकिन इस पर कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में देश आपस में ज़मीनों के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ेंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हमारे पूर्वी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी चाइना के कब्जे वाले हिस्से यानी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। हमारा पूर्वी भारत और बांग्लादेश कृषि के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्भर हैं। चाइना इस नदी पर तिब्बत में जैंगमेऊ डैम का निर्माण कर रहा है और भविष्य में इस नदी पर जल विद्युत के लिए और भी डैम के निर्माण की योजना है। डैम बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी में भारत की ओर आने वाला पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी भारत और बांग्लादेश कृषि के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्भर हैं। इस स्थिति में भारत और चाइना के बीच पानी को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है, भले ही इन दोनों देशों के बीच इस विवाद को लेकर कई समझौते किए गए हों। ठीक इसी प्रकार का एक विवाद सिंधु नदी को लेकर भी है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों के उपयोग को लेकर विवाद शुरू हो गया। उत्तरी भारत में बहने वाली 6 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम और सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान को डर था कि भविष्य में यदि भारत के साथ राजनीतिक या और कोई भी अन्य विवाद होता है तो भारत इन नदियों का पानी डैम बनाकर पाकिस्तान में आने से रोक सकता है। और इसी डर का परिणाम रहा सिंधु जल विवाद। इसी विवाद को सुलझाने के लिए कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौता के अनुसार 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाव और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। भारत को अपनी नियंत्रण वाली तीनों नदियों के पानी को किसी भी प्रकार से उपयोग करने के अधिकार दिए गए। वह पाकिस्तान की नियंत्रण वाली अन्य 3 नदियों पर भारत को केवल 20% हिस्सेदारी दी गई, यानी भारत सिंधु, चिनाव और झेलम नदियों का केवल 20% पानी ही यूज कर सकता है। इसके साथ ही भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बना सकता है, लेकिन भारत को इसके लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने होंगे, यानी भारत जल विद्युत उत्पादन के लिए इन नदियों के पानी को रोक नहीं सकता। इस समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में दोनों देशों की तरफ से आयुक्त की नियुक्ति की गई, जो इस समझौते पर अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रतिवर्ष 31 मार्च को दोनों आयुक्तों की मीटिंग होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब यह समझौता हुआ था, तब उस समय तक इन दोनों देशों के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन 1965 और 1971 के युद्ध में भारत से पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, और 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद से ही इस समझौते को खत्म करने की मांग होने लगी है, क्योंकि सन 1960 में समझौते के वक्त जो परिस्थितियां थी, अब वह नहीं रहीं। हे गाइस, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।